नमस्कार, इस वक्त आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं झज्जर जिले के गांव बहू से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार द्वारा चुनाव की तारीख है वो तय कर दी गई है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव के लिए गांव-गांव में जाकर कैंपेनिंग है वो कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ भाई शिव कुमार है जो कि वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद का चुनाव वो लड़ रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आज आप यहाँ पे आए, कैसा लोगों के बीच समर्थन आपको देखने को मिला? बहू गांव में जबरदस्त जोश है, लहर है मेरी, और बहू गांव की 70-80% वोट मेरी है। और भाई सारे आपने देख लिया होगा यहाँ माहौल कितनी भीड़ थी। 500 वोट तो रहे बैठी थी, 500 वोट तो रहे बैठी थी, तो 500 वोट घर में आते एक आदमी आ रहे हो तो देख लो, 3 वोट 4 वोट तो होंगी, 5 वोट तो होंगी घर में, तो 2500-3000 वोट तो मेरी वैसे होगी। बाकी जो गांव है उनके अंदर जाकर किन मुद्दों को लेकर वोट मांगी जाएंगी? मुद्दे तो भाई साहब मेरा तो पहला तो पर्यावरण है, स्वास्थ्य है और शिक्षा सुधार है। मैं इन तीनों चीज़ों पर ज़बरदस्त काम करूंगा और भविष्य में मैं मेरे क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के लोगों को इस चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। शिक्षा में ज़बरदस्त सुधार करूंगा, खेल के मैदान में सुधार करूंगा और स्वास्थ्य में जो हॉस्पिटल हैं हॉस्पिटलों की बढ़िया सुविधा करेंगे। ग्रामीणों की समस्या है कि उनके गांव की जो बाहर के रास्ते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब है, उनका कैसे समाधान किया जाएगा? उनको पूरा पक्का करेंगे, पानी की निकासी करेंगे नालियों की अच्छी तरह, ठीक है जी, और पक्का करेंगे। मेरे से जो संभव काम होगा वो जबरदस्त करूंगा, मैं लाठी ठोक के करूंगा। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला परिषद के उम्मीदवार 15 से भाई शिव कुमार, कैमरामैन नवीन के साथ मैं बोली, आप देख रहे हैं फोटो नहीं। धन्यवाद। आज आपके गांव में जिला परिषद उम्मीदवार शिव कुमार आए, कैसा जन समर्थन है आपकी तरफ से शिव कुमार को? हमारी तरफ से शिव कुमार को पूरे गांव का समर्थन है, अच्छी तरह आम छोटे से लेकर 60 साल तक के इकट्ठे पीछे सब जी जान से इसकी मदद करेंगे। क्या कार्य शिव कुमार ने अभी तक आपके गाँव में करवाए? शिव कुमार ने तो स्टेडियम में करा दिया, मंदिरों में करा दिया, रामलीला है वगैरह है, या और कोई गरीब है उसकी हर आदमी की मदद की है, और यहाँ आज मंदिर में आई थी यहाँ भी मदद की है। क्या कोई और उम्मीदवार नहीं है? हालांकि अभी पहले बहुत नहीं थे। अभी पूछा गया है कि एक उम्मीदवार आपके गांव से ही है वो तो आते ही नहीं, तो क्या डिफरेंस है उसमें? और डिफरेंस तो दिल से है, काम करने की इच्छा वो डिफरेंस है, मन में भी काम करना है या नहीं करना है वो डिफरेंस है। चलिए ठीक भाई साहब, शिव कुमार उम्मीदवार कैसा है? बहुत अच्छा उम्मीदवार है भाई। क्या उम्मीदें हैं शिव कुमार से आपकी? शिव कुमार से भाई हमारी बहुत उम्मीदें हैं, उसने भाई हमारे ग्राउंड में बहुत काम करवाया, ठीक है, खेल स्टेडियम में चमका दिया, बहुत मतलब अच्छा उम्मीदवार है भाई, उसने है ना जो अपनी बातें बताई हैं वो पूरा करके दिखा। नहीं, आपके गाँव से भी उम्मीदवार है तो अपने गांव के उम्मीदवार को छोड़कर आप किसी दूसरे गांव के उम्मीदवार के साथ मिल रहे हो, तो इसमें क्या अंतर है? क्या गांव वाले के साथ आप क्यों नहीं मिल रहे? हमारे गांव का जो उम्मीदवार है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगी। शिव कुमार ने जो बोल के नहीं करके भी दिखाया है, और हमारे लिए बहुत और कोई गाँव का उम्मीदवार नहीं है जो और भी उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 15 से, क्या आप उनको क्यों नहीं चुन रहे? ऐसा क्या खास है शिव कुमार के अंदर? क्योंकि जो शिव कुमार को हमने पहले खेल स्टेडियम के बारे में बताया था, क्योंकि हम उसमें आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने अगले ही दिन भाई स्टेडियम के बारे में सोचा और हमारा काम करवाया, स्टेडियम में खेल करवाए, नौजवानों की दौड़ करवाई, बुजुर्गों की दौड़ करवाई, तो मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे साथ इस वक्त बहुगाँव के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज उनके गांव में शिव कुमार द्वारा प्रचार किया जा रहा है, तो उनसे बातचीत करते हैं। आज इस गांव के अंदर पंचायत की गई थी और पंचायत के अंदर कितना जन समर्थन शिव कुमार को मिलेगा, ये उनसे बातचीत करते हैं। सर, शिव कुमार के द्वारा आज पंचायत की गई है गांव में, उसमें कई जो बड़े बुजुर्ग और युवा साथी है इकट्ठा हुए, तो कैसा जन समर्थन आज शिव कुमार के साथ है वो कैंपेनिंग के दौरान देखने को मिलेगा, वोटिंग के दौरान देखने को मिलेगा? हाँ, कम से कम 5000 वोट ले जाएगा शिव कुमार बहु गाँव से। हाँ, ऐसे में आपके गांव से भी उम्मीदवार है, और तो क्या उसको छोड़कर शिव कुमार को चुना जा रहा है, ऐसी क्या खास बात है शिव कुमार के अंदर? शिव कुमार अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, ऐसे वैसे जो धर्मार्थ में लगाता है, खुश होकर देता है बच्चों का,
अच्छा, जो और कैंडिडेट हैं जिला परिषद के, वो क्या किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं? भाई सहयोग तो कर रहे हैं, पर जो शिव कुमार कर रहा है ना, उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों के खेल के लिए और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया काम कर रहा है। शिव कुमार से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या अगर शिव कुमार लोगों के द्वारा चुना जाता है तो क्या गांव के किस प्रकार के इस क्षेत्र का विकास वो किया जाएगा? विकास जी बन गया तो बढ़िया विकास कर रहा है। अच्छा, किस प्रकार का विकास है वो गांव के अंदर किया जाएगा? जो गांव ऑर्डर देगा नहीं, बालका को खेलन कूलन को सारो सामान की रोड की कह गया नहीं। हर बार जो वादे हैं उम्मीदवारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनमें से काम है कुछ ही परसेंट हो पाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या शिव कुमार ये कार्य करवा पाएगा? शिव कुमार करवा देगा, कार्य करवा देगा। चलो, ये थे हमारे साथ बहुगांव के कुछ बुजुर्ग, जिन्होंने शिव कुमार बारे में बताया कि उनको कितना इस गाँव से कितना समर्थन है। इनके द्वारा कहा गया कि 5,000 वोटें हैं वो शिव कुमार बहुगांव से लेके जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं बोलिए, आप देख रहे हैं फोटो नहीं।